नमस्कार, सभी आंगनबाड़ी बहनों का स्वागत है हमारे चैनल डीके टेक्निकल ज्ञान में। तो बहनों, पोषण ट्रैकर ऐप की एक और नई अपडेट आई है जिसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। जैसा कि आप पोषण ट्रैकर ऐप को ओपन कर रहे होंगे तो कुछ इस प्रकार से आपको अपडेट करने का जो ऑप्शन है वो खुल के आ रहा है, यानी कि एक नया अपडेट आ चुका है। चलिए, क्या अपडेट है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। आप चाहें तो यहाँ से भी इसको अपडेट कर सकते हैं। जब आप पोषण ट्रैकर ऐप को ओपन करेंगी तो इस प्रकार से अपडेट लिखा हुआ आएगा। आप यहाँ पे अपडेट पे क्लिक करेंगी तो आपका अपडेट जो है कि वो प्ले स्टोर से जाके अपडेट होने लगेगा, या फिर आप डायरेक्टली यहाँ से प्ले स्टोर को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आप यहाँ पे लिखेंगे पोषण ट्रैकर, जैसा कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ पोषण ट्रैकर। इस प्रकार से आपको लिख के सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद यहाँ पे आपको अपडेट का ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इस अपडेट में क्या आया हुआ है, चलिए इसके बारे में देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम एरो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे व्हाट्स न्यू में देखेंगे तो एक ही अपडेट आपको देखने को मिलेगा, हॉट फिक्स ऑफ कैलेंडर इशू व्हाइल माइग्रेटिंग टू लैक्टेटिंग मदर। यानी कहने का मतलब है कि जो आंगनबाड़ी सेविकाएँ जो गर्भवती महिला को धात्री महिला में ट्रांसफ़र कर रही थी तो वहाँ पे कैलेंडर का इशू आ रहा था, उस इशू को यहाँ पे हॉट फिक्स के नाम से यहाँ पे फिक्स कर दिया गया है। अब आप लोग किसी भी गर्भवती महिला को धात्री महिला में माइग्रेट करेंगे तो आपको ये कैलेंडर वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए यहाँ पर हम आपको इसका वर्जन भी दिखा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख पाएंगे ये जो नया वर्जन है 18.7.1 के रूप में आया हुआ है, और ये अपडेट आया हुआ है 4 जुलाई 2023 से, यानी कि 4 तारीख को ये अपडेट आया हुआ है। तो इस प्रकार से आप लोग देख के यहाँ पे पोषण ट्रैकर ऐप को अपडेट कर लीजिएगा। चलिए हम इसको अपडेट कर लेते हैं। जब तक हम इस पोषण ट्रैकर ऐप को अपडेट कर रहे हैं आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बेल नोटिफिकेशन दबाने के बाद ऑल का बटन जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। तो बहुत ही कम MB का अपडेट है, KB में अपडेट है, बहुत जल्द ही आपका अपडेट हो जाएगा। चलिए, यहाँ पे हमारा पोषण ट्रैकर ऐप जो है वो अपडेट हो चुका है, इसको हम लोग ओपन कर लेते हैं। इस प्रकार से ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दर्ज कर लेना है, और यहाँ पे आपको 4 अंकों का MPIN दर्ज कर लेना है। तो यहाँ पे हमने मोबाइल नंबर और MPIN डाल लिया है। डालने के बाद यहाँ पे लॉगिन करेंगे तो आसानी से हमारा पोषण ट्रैकर ऐप जो है वो ओपन हो जाएगा। वहाँ पर जो अपडेट लिख के आ रहा था वो अपडेट आपका यहाँ पर हट जाएगा। तो इस प्रकार से आपको अपडेट कर लेना है। ठीक है, तो पोषण ट्रैकर ऐप में लॉगिन करने के बाद सबसे पहले आपको डेली ट्रैकिंग का ऑप्शन खुल के आ जाता है कि क्या आपने आज आंगनबाड़ी केंद्र खोला है या नहीं, उसकी स्थिति आप लोगों को दर्शानी होती है। तो आंगनबाड़ी केंद्र खोले हैं तो आप लोग यस करेंगे, जैसे कि यहाँ पे यस करेंगे आज हमने आंगनबाड़ी केंद्र खोला है, और कितने बच्चे आए हैं, क्या आए हैं, उनका अटेंडेंस हम लोगों का बनाना होता है। तो यहाँ पे एरो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जितने बच्चे आए हैं उनका अटेंडेंस आपको बना लेना है। कितने बच्चों को सुबह का नाश्ता दिया गया, कितने बच्चों को SCM दिया गया यानी हॉट कुक मील दिया गया, वो सभी डिटेल्स आप लोग यहाँ पर आके फिल कर लेंगे। उसके बाद चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो अपडेट आया है हॉट फिक्स कैलेंडर, यानी कि गर्भवती महिला को धात्री महिला में ट्रांसफ़र करने के लिए जो कैलेंडर की इशू आ रही थी, यहाँ पे बताया गया कि इस अपडेट में आप लोगों की ये प्रॉब्लम ठीक हो चुकी है। तो चलिए उसी को देखते हैं। उसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ पे बेनिफिशरी वाली कैटेगरी पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे गर्भवती महिला की कैटेगरी को ओपन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम गर्भवती महिला की कैटेगरी को ओपन करेंगे तो जितने भी गर्भवती महिलाओं को हमने ऐड किया है उसका लिस्ट यहाँ पे खुल के आ जाएगा। और बेसिकली हम लोग जानते हैं कि 7 मंथ के ऊपर गर्भवती महिला को हम लोग ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जैसे कि 7 मंथ, 8 मंथ और 9 मंथ के बाद हम लोग गर्भवती महिला को स्तनपान कराने वाली महिलाओं में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे आपको दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पे एक गर्भवती महिला है जो 9 मंथ की हो चुकी है, फिलहाल अभी इसकी डिलीवरी नहीं हुई है, और यहाँ पर हम इसको माइग्रेट करना चाहते हैं तो क्या प्रॉब्लम आ रही है हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे स्तनपान कराने वाली माँ के पास प्रवास यानी माइग्रेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, जो सेकेंड वाला ऑप्शन है। इस पे क्लिक करने के बाद इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि जो कैलेंडर वाला इशू था वो अभी इशू आप लोगों का ठीक नहीं हुआ है, यानी कि इस अपडेट के आने के बाद भी आप लोगों की ये प्रॉब्लम पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई है। यहाँ पे देख सकते हैं कि हम कैलेंडर के ऑप्शन पे क्लिक कर रहे हैं, यहाँ पे कैलेंडर का जो डेट वगैरह है वो खुल के नहीं आ रहा है, जैसे कि ये 8 मंथ की गर्भवती महिला है। और इसके 3 डॉट के ऊपर क्लिक करेंगे और इसमें भी देखेंगे कि हमें वही प्रॉब्लम आ रही है जो 9 मंथ की गर्भवती महिला को हम माइग्रेट कर रहे थे। तो फिलहाल अभी जो ये अपडेट आया है वो पूरी तरीके से अपडेट आप लोगों का काम नहीं कर रहा है।
तो इस प्रकार से ये जो 18.7.1 का जो नया वर्जन आया है, जिसमें बताया गया कि आप लोगों का ये जो कैलेंडर का जो इशू है वो ठीक कर दिया गया है। तो फिलहाल अभी ये ऑप्शन काम नहीं कर रहा है। आप लोग भी गर्भवती महिला को माइग्रेट कीजिएगा, अगर हो रहा है तो अपडेट करके बताइएगा कि हमारे पोषण ट्रैकर ऐप में ये जो अपडेट है, इस अपडेट के बाद ये प्रॉब्लम ठीक हो चुकी है। और प्रॉब्लम आप लोगों की इस प्रकार से दिखा रही है तो भी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फिलहाल आज की ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और पोषण ट्रैकर ऐप से रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सभी का हमारे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।